पॉजिटिव है हमेशा। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो मौसम बदल जाता है, हालात बदल रहे हैं। उनके पहले विजिट से इस विजिट तक तो उनके बार बार आने से मौसम और हालात हमेशा ही बदले हैं, तो इस बार भी और खुशगवार होगा। तो हम तो पल के बिछाएँ उनका हमेशा इंतज़ार करते हैं कि वो कब जम्मू कश्मीर का विज़िट करें। देखिए, ये उन पे नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पे नहीं है कि इलेक्शन किस स्टेट में कब कराना है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है और तैयारी भी चल रही है फ़िलहाल पार्लियामेंट इलेक्शन की। पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ यूएलबी इलेक्शन हो सकते हैं, साथ में असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं। ये कोई भी पार्टी पे निर्भर नहीं है, कोई पार्टी डिसाइड नहीं कर पाती कि इलेक्शन कब होंगे। और डेफिनेटली कश्मीर के हालात खुशगवार हैं और इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं। जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर की सीट या हमें कोई पावर की लालच नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अभी भाजपा की सरकार है, एक सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है भाजपा पे। 400 का इस बार टारगेट है, तो आप 400 से ज़्यादा ही उम्मीद करेंगे तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हमारे हिस्से में आएगा। एंड डेफिनेटली ये उमर साहब ने ना अपनी बेइज्जती की है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की भी बेइज्जती की है कि यहाँ पे कम्युनल सोच लेके या मंदिर की सोच लेके ये बात की है। आई थिंक ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्ट पर्सन, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। तो ये मंदिर की बात करके मुझे लगता है इन्होंने बेइज्जती कर डाली है जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही लिबरल और खुले सोच के लोग हैं, जो हर रिलीजन को साथ लेके चलने वाले लोगों में से हैं।